बौद्ध धर्म की दीक्षा, अरे बौद्ध धर्म तो एक जीवन पद्धति है, और जो सवेरे से लेकर जिंदगी भर तक आप सुबह से शाम तक आप बौद्ध धर्म को अनुसरण करते हैं, इससे बड़ी दीक्षा और क्या हो सकती है। तो इस पर कोई ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए कि साल में कितने बार, ये जीने का तरीका है, और जो लोग इससे जानकार हैं वो लोग इस पर रास्ते का अनुसरण करते हैं उसी को बौद्ध दीक्षा समझ लीजिए। सर ये तो दीक्षा के अंदर क्या सिखाया जाता है कि आपको क्या पालन करना होगा? देखिए बौद्ध धर्म या किसी भी धर्म की अपनी शिक्षाएं होती हैं, और उन शिक्षाओं पर चलना ही सिखाया जाता है। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उन पर विद्वानों का अपना अपना मत है, और मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को पंचशील त्रिशरण का ज्ञान है और जो इसके जानकार हैं तो उसका अर्थ को समझें, पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, प्रकृति के प्रति प्रेम रखें, अपने अंदर बैठे हुए अहंकार घृणा उसको खत्म करें, करुणा को पैदा करें, यही बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सर इस समय जो भारत की जो इसमें वर्तमान हालत है, और इस तरीके से कि हम धर्म की बात करते हैं और एक तरफ भारत जो है गर्दिशों में जी रहा है। देखिए धर्म की बात जो आपने प्रश्न बड़ा सटीक किया है, धर्म नाम की चीज कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये एक अफीम का काम करती है, और भारत में गरीबी है, मजदूरी है, बेकारी है, बेबसी है, बेगैरत है। अब इसको कैसे, इसका निराकरण तो सत्ता में तभी हो सकता है जब उनको लोगों को मूलभूत अधिकार मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान। अब इस जिम्मेदारी से दूर रहना है तो उनके धर्म के प्रपंचों में उन्हें उलझाना चाहिए, और जब व्यक्ति धर्म के प्रपंचों में उलझ जाता है तो ये सब चीज़ें भूल जाता है। तो आज जो धर्म की अफीम पिलाई जाती है, चाहे वो जानवरों के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, या किसी दूसरे धर्म को लेकर के मजहब को गालियाँ देने के नाम पर, इन सब चीज़ों की सामाजिक तौर पर भर्त्सना होनी चाहिए। और भारत को ज़रूरत है एक ऐसे सहिष्णु मानसिकता की जिसमें लोग बाग मानव मानव से प्रेम करे, वो चाहे बौद्ध धर्म का हो चाहे किसी दूसरे धर्म का हो, लेकिन मानव को मानव के साथ प्रेम भी करना पड़ेगा, आदर भी करना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना भी पड़ेगा। ये आज की मूलभूत आवश्यकता है, अगर इसे आप नहीं करोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। और संविधान को अपनाना आपकी ज़रूरी है, अगर आपने संविधान नहीं अपनाया तो देखो पाकिस्तान में संविधान बहुत दिनों तक नहीं था, पाकिस्तान का हाल क्या हुआ, श्रीलंका में जब संविधान को अवहेलना हुई तो श्रीलंका का क्या हाल हुआ, नेपाल में देखो संविधान लागू करने से पहले कितने बुरे हालात थे। अगर भारत में भी, अगर आप भारत के ऐसे विश्व प्रसिद्ध संविधान को भी नहीं मानेंगे तो भारत का बहुत बुरा हश्र होगा। अब आज की तारीख में जो गरीब गुरबा था, जो पहले दलित पीड़ित था, अछूत था, आदिवासी था, अब वो शिक्षा पा करके अब उसके भी कान और आँख दोनों सजग हुए हैं। अब वो कल को अपने हिसाब को पूछेगा, अपने हो रहे ऊपर अत्याचारों के विषय में आपसे सवाल पूछेगा, तो कितने देर तक आप जाति के नाम पर बांटोगे, कितने देर तक आप जाति और धर्म और भाषा और शिक्षा के नाम से बांटोगे। जिस दिन पेट की आग दिमाग पर चढ़ करके बोलेगी ये आपकी जातिवादी सोच, आपकी पाखंड, आपका अंधविश्वास फैलाने के तरीके, इसको बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। इसलिए समय रहते सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि देश की न्यायपालिका जो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक तरीके से बनाई जा रही है, गैर संवैधानिक तरीके से अपना आचरण दिखा रही है, आज न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, न्यायाधीश स्वयं आ करके मीडिया से कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं, उसके प्रति हम नौजवानों को सबको जागरूक होना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, धर्म की अफीम से बाहर आओ, संविधान को पढ़ो, संविधान को समझो, और उस संविधान को जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन संविधानिक समिति के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे, जिसमें लगभग 300 लोग थे, जिन लोगों ने जो एक राष्ट्र के लिए ऐसा निर्माण करने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को का समर्थन किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ खड़े हुए, उन पर विश्वास किया, और उन्होंने एक संविधान बना के दिया जो विश्व का सर्वोच्च संविधान कहलाया जाता है, भारत का सबसे ज़्यादा पवित्र ग्रंथ है, जो हर धर्म को सम्मान देता है। ऐसे आप संविधानिक ग्रंथ को छोड़ करके अंधविश्वास, पाक
पाखंड, झूठ, फरेब, चोरी, चकारी, झूठे अंधविश्वास में फैले हुए क्यों व्यक्ति बनना चाहते हो? ये आपके लिए, आज के नौजवान के लिए स्वर्णिम अवसर है कि भारत के संविधान को पढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे देश में तुम्हें बहुत कुछ वो प्राप्त होगा जो समाज देश में आपका हिस्सा है वो मिलेगा। और जब हम मानव अधिकार प्राप्त कर लेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिला को हम अलग से न देखें, महिला देखिए पुरुष और नारी दोनों मिलते हैं तब एक शक्ति बनती है, और उस शक्ति को हमें विघटन नहीं करना चाहिए। हमें कानूनी तौर पर देश की जो राजनीति में जो लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर के सभी लोग, आज की तारीख में वो अपरिपक्व जैसे व्यवहार के लगते हैं। आज हम देश में बेरोजगारी, हम देश की जो एक दूसरे के प्रति घृणा, इसको छोड़ करके हम बहुत ज़्यादा चिंतित इस बात पर हैं कि तीन तलाक होते हैं कि नहीं होते हैं। जी, आज हम सबसे ज़्यादा प्रयत्न एक चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हम जाति के नाम पर मुसलमानों का कितना एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, दलितों के हम अधिकारों को कितने वंचित हम कर सकते हैं, कितनी दूसरी बातों में उलझा सकते हैं। आज देखिए भ्रष्टाचार इस सीमा तक आ गया है कि प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ करके लोग बाग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और यहाँ तक लोग बाग तो कहते हैं कि छोटा मोदी, अब घर घर मोदी, अब ये छोटा मोदी, एक बड़ा मोदी, भाई ये पहचान क्या है? प्रधानमंत्री का जो आचरण है, सुबह से शाम तक तीन तीन बार सूट तो बदलते हैं। नेहरू जी के बाद शायद वही एक व्यक्ति आए हैं कि ये सूट जो बदलने की पद्धति है, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए ये सूट और उसकी धुलाई कहाँ से दी जाती है? आखिर गरीब के उस पैसे से जिसका तुमने न्यायपालिका से जुड़े लोगों का अंधाधुंध वेतन बढ़ा दिया है, गवर्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुफ्त का तो तुम्हारा भोजन, मुफ्त का तुम्हारा रहना, मुफ्त का तुम्हारा आना जाना, मुफ्त के सब खर्चे, फिर तुम्हें किस बात के वेतन की ज़रूरत है जो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया आप किस बात के लिए कर रहे हो? अरे सोचो और शर्म करो कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है 10,000 रुपये के लिए, मजदूर को जेल में जाना पड़ रहा है बैंक से अगर लोन लिया हुआ है, और तुम 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए का अपना खर्च बता करके सुबह से शाम तक तीन तीन चार चार सूट बदल करके अपने आप के कौन से करेक्टर को दिखाना चाहते हो? मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, सजना संवरना उन औरतों के लिए ज़्यादा शोभा देता है जो जवान हैं लड़कियाँ, और समाज वो अपने आप को कहीं प्रदर्शित करना चाहती हैं, न कि उन लोगों को जो देश के प्रति समर्पित होकर के राष्ट्र के नेता हैं और सुबह से शाम तक कंघी करते रहते हो और सुबह से शाम तक अपने खूबसूरती को बनाते हो। किस चीज़ की खूबसूरती? आपके पास विचार की खूबसूरती होनी चाहिए, आपके पास वो खूबसूरती होनी चाहिए जिससे देश और समाज एक मार्गदर्शन ले, न कि आने वाले समय में जिस तरह से आज नेहरू जी के नाम से उनके लव अफेयर की चर्चाएं बड़े गौरव के साथ में, आज का नौजवान ये कहते हुए कि नेहरू जी के लव अफेयर वहाँ थे, कल आने वाले समय में कोई दूसरे प्रधानमंत्री का नाम भी इसलिए न कहा जाए कि उसके भी फलां 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 इस तरह के थे। मैं इस चीज़ की भर्त्सना भी करता हूं और ऐसे प्रधानमंत्री को सिर्फ एक सबक देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जनता अंधी नहीं है, नौजवान ये देख रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कि आज की तारीख में जो भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं ऊपर से ही ये आ रहा है। उसमें जब प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आपने इलेक्शन के टाइम में जो 1600 करोड़ रुपया आपने मीडिया को लिए जो इंतजाम किया था, मीडिया को जो आपने खरीदा, ये आया कहाँ से? जब अमीर लोग पैसा देंगे तो कांशीराम जी एक बात कहा करते थे कि यदि कोई आपको सहारा देगा तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो पैसा लेकर के जा रहे हैं, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और आज की सरकार को सहारा दिया है, इसीलिए उनके इशारे को मानना इनकी मजबूरी हो गया है और इसीलिए देश छोड़ के वो बाहर जा रहे हैं, नहीं तो कोई भी सरकार इतनी आसानी से किसी को नहीं जाने देती। आज 11,000 करोड़ रुपए का एक अपना वो है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एनपीए की बात चल रही थी जिसमें 10 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ रुपया एनपीए में चला गया, मतलब वो दिवालिया हो गया। लोग, ये अमीर लोग, ये बिजनेसमैन उस 10 लाख करोड़ रुपए को डकार गए और आज 10,000 रुपए पे एक मजदूर और किसान को जेल की हवा खानी पड़ रही है, क्यों? ये जवाब नौजवानों को पूछा जाना चाहिए और नौजवान पूछे कि आज हमारी बेरोजगारी का कारण क्या है, आज देश में भुखमरी का कारण क्या है। ये भुखमरी का कारण है, यहाँ के पूंजीपतियों के ऊपर किसी भी तरह का अंकुश नहीं है। मैं एक बात और आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहा था देश की सरकार बनने से पहले कि जो उद्यम है,
जो बड़े ऊंचे लेवल का उद्यम है, जिसे कहते हैं बड़ी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, ये सरकार को अपने मार्गदर्शन में चलानी चाहिए और छोटी इंडस्ट्रीज को सभी बिजनेसमैनों को देना चाहिए। उस छोटी इंडस्ट्री से छोटी छोटी चीज़ें बनवा करके बड़ी इंडस्ट्री उसे असेंबल करे, जो भारत के नाम से होनी चाहिए थी, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया गया। फॉलो क्या किया गया, इन बड़े पूंजीपतियों के साथ में, क्योंकि समझौता था, कांग्रेस ने यह समझौता रखा, राजे रजवाड़े और पूंजीपतियों के साथ समझौता होने की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सब इन बिजनेसमैनों को दी गई, जिसके कारण यहाँ पर इस देश में भ्रष्टाचार पैदा हुआ। और उस भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो सरकार को, न्यायपालिका को ईमानदार बनाना पड़ेगा, न्यायपालिका में बैठे हुए न्यायाधीशों द्वारा ये डर बताना कि देश का लोकतंत्र और देश का संविधान खतरे में है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और हमारी सरकार ने उन चार न्यायाधीशों की वही रिक्वेस्ट उसी न्यायाधीश के पास भेज दी जो CJM है, उनके पास तो नहीं जानी चाहिए थी। ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए था कि इस तरह का क्यों हो रहा है, और ये अंकुश लगाया जाना चाहिए कि हमारे संविधान को कहीं कोई खतरा न्यायपालिका से ही तो नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का चयन गलत तरीके से होता है। परिवारों में सिलेक्टेड कुछ परिवार हैं और वही परिवारों में उन लोगों के नाम आते हैं, इसको हमें रोका जाना चाहिए। न्यायपालिका में अंकुश हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश हो, पूंजीपति के NPA का जो पैसा डकार लिया गया है उसे निकाला जाए, वरना उन लोगों को जेल की हवा में डाला जाना चाहिए, जो कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो। दिवाली है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जेल में रहें, इससे सुविधा न ले सकें। हम गरीबों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम।